कोरोना का कहर एक बार फिर सरकार से लेकर आम आदमी के माथे पर शिकन की सलवटें डाल रहा है। दरअसल आज जारी किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि कोरोना 6 महीने बाद अपने टॉप के स्तर पर चल रहा है। भारत में पहले जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 81,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए। वहीं दूसरी तरफ 469 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देशभर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा आया 1,63,000 को भी पार कर गया है। पूरे देश में कोरोना ने खतरनाक रुख अपना लिया है। एक तरफ जहां देश में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और उसी गति को काफ़ी तेज़ किया गया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने भी अपनी गति को बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में आए मामलों के बाद से देश में 6 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से ठीक होने की बात करें तो बीते 24 घंटों में 50,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में 8 राज्यों में रोज़ाना आने वाले कोरोना मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है। अकेले इन 8 राज्यों में बीते 24 घंटे में सभी दर्ज होने वाले मामलों के 84% हैं। खैर, अब देखना होगा कि जिस तेज़ी से कोरोना अपना खौफ देश भर में फैला रहा है उससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें किस तरह का कदम उठाती हैं। ITB न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।